मतलब तुम आगे सुनोगे उसके अंदर देर लाइक फ्लोज पीपल आर रैपिंग मैं यहां नहीं रागिनी के जा रहा हूं यार दिस इज अर्पित बाला एंड यूर वॉचिंग इन क्लाब डिसम गोइंग टू डिसाइफर माई वर्स ऑन मा रानी करबूल है चेक इट आउट हाँ जी हाँ जी दे दो माइक पे लाइट पे बोलना बहुत कुछ तो खोल ली बोतल लेना स्वेट टू गॉड नहीं करना फ्लेक्स पर ये बंदी ऐसी गुनगुना ही देती मेरे गाने सुन के मानो रट के बैठी मेरे वर्षे सारे बंदी बॉय कट रैपर इस पे लाइन है लड़कों की वो गाती गाने सिर्फ मेरे वाले भाई बहुत डीप लगा ठीक है ना बहुत ज़्यादा डीप लगाए गाना बंदी बॉय कट रैपर इस पे लाइन है लड़कों की वो गाते ही गाने सिर्फ मेरे वाले ठीक है देखो फर्स्ट ऑफ ऑल शी इज हॉट तो उस पर लाइने हैं लड़कों की लाइने लाइक अ क्यूब ठीक है डबल ऑन टाइडर हो रहा है अब ठीक है फिर आता है बंदी बॉय का ट्रैपर इस पे लाइने लड़कों की बिकॉज शी इज अ बॉय शी टॉम बॉयश आई विंट अ दैट शिट मैन आई विंट दैट शिट गेट मी अ टॉम बॉय एंड शी हैज लाइक बॉयश लाइन उस पर लाइन है लड़कों की बट शी स्टिल मेरे गाने गाती है

तेरे भाई की सेटिंग है तेरे भाई की सेटिंग है पता नहीं गाने में वो बहुत ऑफ लगता है बट इट्स नॉट इट्स नॉट ऑफ एट ऑल बट लाइक मेरे को हमेशा लगता है कि ये गाने में ऑफ है थोड़ा सा बट बट द मीनिंग बिहाइंड दिस लिरिक इज दैट कि कभी ना आपको खुद यकीन नहीं होता भाई किसकी बंदी है भाई ये यू हैव टू टेल योरसेल्फ भाई तेरे भाई की सेटिंग है यू हैव टू टू रेफर योरसेल्फ एज भाई इन द थर्ड पर्सन अगेन द सेल्फ ऑब्सेशन मैन सेल्फ ऑब्सेशन द नार्सिसिज्म

आई गए तो कर लेते हैं ब्रो क्या होगा क्या होगा ओके so, okay. दिक्कत क्या है सो द फनी स्टोरी बिहाइंड महारानी वॉज आई वॉज नॉट वेरी श्योर विद द सॉन्ग सो द थिंग इज लाइक दिस वॉज गोइंग ऑन करुण एल्बम कबूल है एंड करुण इज़ लाइक रियली लाइक वेरी लाइक फिनिकी अबाउट हिज म्यूजिक एंड एवरी थिंग राइट लाइक इफ़ यू लाइक समथिंग ही वॉन्ट्स इट टू बी देयर बट फ्रॉम द मिनट आई रोट आई वॉज लाइक ना करुण भैया इट साउंड ऑफ इट 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 डजेंट गो वेल विद द ट्रैक आप लोग इतनी मतलब तुम आगे सुनोगे उसके अंदर देर लाइक यूनो देर आर प्रॉपर फ्लोज पीपल आर रैपिंग मैं यहाँ पे आके रागिनी गा के जा रहा हूँ यार मतलब गा रहा हूँ क्या कर रहा हूँ कुछ पता नहीं है जिस लाइक सुर छेड़ रहा है या फिर नहीं छेड़ रहा है बेसुर है क्या है पता नहीं तो आई वॉज लाइक वेरी अनश्योर कि भाई ये करना है कि नहीं एंड आई नो वॉट हैपन बट लाइक एल्बम में से करूँ भी आई वॉज लाइक कि तू क्या चाहता क्या है मैं ये गाना जिस दिन रिलीज हो रहा है उस दिन हटाऊँ वॉट डू यू वॉन्ट क्योंकि उस दिन ही कॉन्वर्सेशन हो रही थी एंड देन ही वॉज लाइक ना तू उन्होंने मेरे को बोल दिया था डू वॉट एव यू वॉन्ट दिस इज टेग आई नो केयर हु यू आर आई एंड देन उन्होंने मेरे को पाँच छः लोगों के सामने झाड़ा और कि तू अपने को समझता क्या है लाइक द फैक्ट दैट यू डिड नॉट गो अहेड कि निकाल देते हैं एंड ही कैप्टज वर्ड आई एम ग्लैड या दिस इज़ डैट वन सॉन्ग जिसके अंदर मतलब अगर जब भी कभी कुछ कॉन्सर्ट हुआ है फिर आई हैव सीन फीमेल्स लाइक रोर एंड दिस इज़ लाइक रेयर दिस इज़ लाइक रेयर बिकॉज इन माई कॉन्सर्ट्स इज लाइक एटी परसेंट डूड्स मेकिंग लाइक ट्वेंटी परसेंट फीमेल्स फील अनसेफ बट लाइक जब जैसे ही एक गाना आता है ना आई जस्ट फील लाइक डैम फेमिनिज्म डैम फेमिनिजम

but like i had some things that i had written down and i felt like ha and, and it just one thing led to another and like i had an ep in my hands one song flowed into another one thing flowed and so i was like yeah the process was uh, i wouldn't say very hectic because i had everything written down from like 2018-19 only so it wasn't like yeah, i need to look back and like, you know, gade just to feel something. Nah, just like, I had some shit written down. usi Gang is basically like a parody. Parody of the entire like, like, what we call it, like underground desi hip hop shit. Me and my friend Bappa, we found, found it very amusing. Like, all these rappers, unemployed, acting all hard, wearing like fake, fake clothes from Palika and shit but acting all hard and saying like, shit like that, they, they keep it real and shit like, and we didn't bite it. We did not like, we were just like, nah. So I had to like, you know, I can see it like this is amusing. So I was just like, let, let's just parody this scene, bro. Piece of art that really inspired me. I have to say my contemporaries. Like, you know, my, my friends who are making music and shit like that. Because, because it's really fun to be involved in that process. It's one thing to like listen to a song, and it's one thing to like appreciate while you're in the process and to see some people make some shit out of nothing. So that really like you know, got me into it. It was never like, yeah, like oh, I want to sound like that person. I want to say something like that person or the impact of music now. Nah. For me, it was the process. Uh, I, I really like the process. My future plans with music is to not take this shit seriously, like not be like a hardcore musician like Yo bro, brosi in Kigushkarna. No, nah, bro, I, I wanna make mute, nah. I just wanna have fun. Just wanna make some fucking, like, you know, women laugh. <laughs>